जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर मुस्लिम कंट्री बना दिया, उसी प्रकार से इस भारत देश को बनाना है। या अल्लाह इल्लाह रसूलुल्लाह, बहुत जल्द तेरा मकसद पूरा होने वाला है। आमीन। नेताजी, ये रहे हवाला का पैसा, पूरे 100 करोड़। आपको अपना काम याद तो है ना जनाब? क्या बात कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से मैं यही तो करते आ रहा हूँ, यहाँ के हिंदुस्तानी को जाति के नाम पर लड़वाना। जब यहाँ के हिंदुस्तानी आपस में एकता बनाएगा नहीं, तभी तो आपका मंसूबा पूरा होगा। पूरा होगा, पूरा करना होगा। चाहे नेताजी हमसे 100 करोड़ रुपया और ले लो, लेकिन इस 15 अगस्त को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनना चाहिए, मातम मनेगा, मातम। तभी हमारे मुसलमान भाइयों का जीत होगी। जनाब, ये काफिर छुप कर सारा प्लान सुन लिया है हमारा। ये तो हिंदुस्तानी फौजी है। हाँ, मैं हूँ हिंदुस्तानी फौजी, और मुझे गर्व है इस बात से। तुम्हें तय माना चाहिए, तुम एक हिंदू पंडित होकर हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं हिंदुस्तानी पंडित हूँ? गलत, मैं हूँ पाकिस्तान का मुजाहिदीन। मेरा नाम है मोहम्मद रसूल। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाना। इसकी शुरुआत मेरे दादाजी 20 साल पहले ही कर दिए थे। तुम्हें क्या लगता है तुम हिंदुस्तानी की वजह से हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ रहा है? गलत, गलत। ये सब मेरे मुस्लिम भाइयों का योगदान है जो जनसंख्या को इतना बढ़ाए है। इसका क्या करें आप? इसका क्या करें? इसका क्या करें? इसे अल्लाह के पास भेज देते हैं तोहफे के रूप में। जनाब, आप क्यों अपना हाथ गंदा करेंगे? इस काफिर को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। यह है सच्चा मुसलमान, जो कि हिंदुस्तान के होके भी इस हिंदुस्तानी फौजी को मारने के लिए तैयार है। अपने हाथों से इसे अल्लाह के पास भेज दो, अल्लाह के पास। काफिर, ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो एक सच्चे मुसलमान को करना चाहिए। तुम्हें क्या लगा तुम हमारे देश में आओगे और धर्म और मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ाओगे? ये मकसद मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तू कौन होता ये तय करने वाला कि अल्लाह किसे माफ करेगा और किसे जहन्नुम भेजेगा? सच तो यह है कि तुम एक आतंकवादी हो, और आतंक वो बीमारी है जो हमारे देश और बांग्लादेश जैसे देश को दीमक की तरह खोखला करते जा रही है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म करके अपने देश को आतंकवादियों से मुक्त करूंगा। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना अल्लाह बुरा है, ना भगवान बुरा है। जो तेरे भेजे में घुसा है वो शैतान बुरा है। हम तो सरहद पे इस दुश्मन से लड़ लेते हैं, पर जो हमारे देश में ही ये गद्दार नेता बैठे हुए हैं, उनसे हम कैसे लड़े? आखिर हम ही तो इन्हें चुनते हैं। काफिर! सही किया बेटा, सही किया इसको मार के, इस गद्दार को। इस वीरता के लिए मैं तुम्हें परमवीर चक्र दिलवाऊंगा इस 15 अगस्त को, और बाबू तुम्हें भी मैं सरकार से वीरता पुरस्कार दिलवाऊंगा। वो तो तब होगा ना जब तुम जिंदा बचोगे।